जंत्रणा मुकुला ड्रेन डेंगू मशा आतंक खालखमा सहर सीएमसी दुर्नीतिर गंताघर गोटेपटे कटक महानगर निगम स्वायत्त शासन दिवस पालन करछि अन्यपटे सहर निजकु सहर कहिबाकु कुंठाबोध करछि सहरर विकास करिबा नारे सहरवासीको जंत्रणा दिया जाउछि तेणु एहाकु स्वायत्त शासन दिवस नुहे बरं जंत्रणा दिवस कहाजाउ बोली कहिछन्ति विरोधी ना सहरें सुधरी पार्छि ड्रेनेज समस्या ना डेंगू आतंकर रक्षा पाउछि जनता रास्तागुड़े एत खालखमा जी गणव सी रेकर्ड कर एबेबी अनेक अंचल जलबंदी समस्या तेरे सहर में यह स्थित स्वायत्त शासन दिवस पालन कर बड़ बड़ भाषण मारे कौन जी होरवासी सीएमसी सठिक ढंग से मौलिक सुविधा प्रदान करने सीएमसी दुर्नीतिमुक्त होती कटक बारवटी विधायक मोहम्मद मुकिम से सीएमसी बर्षि बीजेपी कॉर्पोरेटर आम खाली कहीदेले हम ना जो जनता जनार्दन आमको निर्वाचित कर मौलिक समस्या समाधान है कि नहीं सेमाने सैटिस्फाई है कि नहीं ता हूँ आम प्रथम कर्तव्य एवं जोपर भाव में करप्शन बढ़ी जाएगी कॉर्पोरेशन में जोपर भाव में निर्माण काम होगी स्वायत्त शासन दिवस जहाँ कार्यक्रम निहाई ता तुरंत समय भितर सरु एवं आउ जो कार्यक्रम आवश्यकता अच्छी कटक जहाँ आम डिस्कसन कलु आज ताकि तुरंत नि जो जो स्थान शिलान्यास होई दुई तीन दिन भितर आपन टिके तार तथ्य विवरणी प्रदान करंतु कटकवासी को कौटी रास्ता कंप्लीट हैनी कौटी तरबरिया भाव में शिलान्यास करने राताराति काम को थोथा कर दिया जाइछि एई ढंग से स्वायत्त शासन दिवस टाकू कटक महानगर निगम 2023 रे पालन करूछि याकु आमे घोर निंदा करूछु। चलित वर्ष स्वायत्त शासन दिवस रे कटक महानगर निगम पक्षरु 59 टी वार्ड रे समुदाय 72 कोटी टंकार प्रकल्प शिलान्यास ओ उद्घाटन करा जाइछि। कटक सहर विकास पर मुख्यमंत्री हजार हजार कोटी टंका देछन्ते बोली कहिछन्ति पूर्वतन विधायक देवाशीष सामंतराय। हेले जदि विकास हेउछि जाउछि कुआडे काहेकि कटकवासी को एते अभिजोग 2009 रु जखन प्रथम विधायक हेली सेहितु आरंभ हेला कटक रो ट्रांसफॉर्मेशन जायका दुदिति ब्रिज ड्रिंकिंग वाटर महानदी रु अंडरग्राउंड केबलिंग अनेक जिनिस रो परिकल्पना हेछि परवर्ती समय रे मो डिजिटल मेयर एबे सुभाष भाई को मेयर हिसाब से देखिली समस्त कार्यक्रम करके जो सीएमसी रो विकास आवश्यक रही अनेक परिवर्तन आसला आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रे जो समय रे कटक सहरर अवस्था बोधे सेबे सुधरिबो जेबे चंद्रपृष्ठरे गच्छ उठिबो। कटकरु कैमरा पर्सन गौतम महंती इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।